क्योंकि फर्क गया गिर और ये देखो क्या बात है, क्या बात है बंदे उड़ने को हो रहा है ये भाई, सेफ चलो सेफ चलो। व्हाट्सअप पीपल, इज अ बैक विद अदर वीडियो और आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ जाने का ही प्लान है आज का, बाकी फर्दर देखते हैं कल कहाँ जाने वाले हैं। और मैं जा रहा हूँ बोन टू राइड के साथ। अगर आपने मैं लग पुराने फॉलोवर्स जब पुराने तब को पता होगा बोन टू राइड के साथ पहले काफी राइड्स की है, मजा आने वाला है इस राइड में। बोन टू राइड का मीटअप है वहाँ पे, उसके मीटअप होने के बाद हम जाएंगे कहाँ पे पता नहीं, वहाँ जाके डिसाइड करते हैं कहाँ। चंडीगढ़ जाते हैं। बाकी मैंने अपना मैविक 2 अनबॉक्स कर दिया, फाइनली करना पड़ेगा, क्यों डिले करते जा रहा था मैं, सोचा कर लेंगे क्या जल्दी और एकदम इमीडिएटली प्लान बन गया, तो फिर मुझे अनबॉक्स करना पड़ा। तो इस वीडियो में दिखा दूंगा मैं आपको अनबॉक्सिंग चलते हुए, कोई दिक्कत नहीं, मैं चलते हुए अनबॉक्स करके दिखा दूंगा, टेंशन ना ले। तो जी हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ साकेत में, बोन टू राइड मेरा वेट कर रहा है, वहाँ पे उसके फ्रेंड्स भी आने वाले। तो जी हाँ चलते हैं, डिले ना करते निकलते हैं, चलिए चलते हैं। हेलो माइक टेस्टिंग हेलो माइक टेस्टिंग ये हेलो। चिल मॉर्निंग ऑफ दिल्ली, 16 डिग्री टेम्परेचर है, मजा आ रहा है, पोल्यूशन कम है। और अभी हम जा रहे हैं XBHP लक्ष्य से मिलने के लिए, मिलने नहीं साथ ही जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया, पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि नजदीक जा रहे हैं ना तो ऐसा ही होता है, गलतियां इंसान जब करता है जब वो कंफर्ट में आ जाता है, जैसे मैं आ गया था भाई, यहीं तो जाना है चंडीगढ़ जाना है। XBHP कितने दिन बाद आ रहा है याद ही नहीं है मुझे, और मुझे कट भी याद नहीं आ रही है, पहली वाली कट पता है वो थोड़ा सा घूम के जाती है, अगली वाली शायद ये है, इससे अगली है आई डोंट नो, नहीं ये वाली है, आ गई याद। यहाँ पे भी बहुत क्राउड होता था, अब इतना नहीं है शायद। मैंने बिगनर यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ पे आता है गप्पे मारता अपने फ्रेंड के साथ, उसके बाद राइड्स प्लान होती है, बहुत कुछ होता है, बंदे खड़े थे लक्ष्य नहीं था शायद, थोड़ा सा लेट हो गया बट चलता है। दिल्ली के मॉर्निंग वाले रोड बड़े मस्त लगते हैं, झकास मजेदार। फाइनली दिल्ली के बाहर निकल चुके हैं, बोर्ड अभी क्रॉस नहीं किया है, ये लास्ट पॉइंट बन गया। और यहाँ पे भी कैमरा लगाओ, इसलिए इतना टाइम लग गया। अब स्पीड की लिमिट से यार कैसे करें, बस 70 की है, यहाँ से तो इजीली क्रूज कर सकते हैं, बट दिल्ली के अंदर 40-50 ऐसा कुछ आता है, 30 भी है कई जगह, काफ़ी जगह 30 भी है, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो दिल्ली निकलना ही दुर्भर हो जाता है चंडीगढ़ जब पहुंचेंगे। अब बाइक का ऐसा ही है, लक्ष्य तो बता रहा था कि चलान कटता है, मुझे नहीं पता चलान कटता है नहीं कटता है, जैसा भी है मेरा तो नहीं कटा, पर मैं ऐसे ना खुले में जा रहा था बड़ी मस्ती से और सब कुछ चिढ़ाता हुआ जा रहा था, यार गाड़ी वाले हैं ना देखो, बंदा चलाना पड़ेगा, चलान है कैमरा लगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा था, बट लाइक वो बिल्कुल लिमिट में ऐसे बिल्कुल शांति से, और मैं उनको देख रहा हूँ ये पहले दिखते थे साइड से निकलते हुए तेज भागते हुए। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता देंगे, बोन टू राइड और सैम और हमारे साथ एक गाड़ी जा रही है डस्टर, मुझे उनका पता नहीं है, लक्ष्य के फ्रेंड है पता नहीं, अभी पूछ रहा है कि कट गया पता नहीं मुझे कैसे कटा। तो ये डस्टर जा रही है हमारे साथ, गाड़ी को ज़्यादा इशू आते हैं, मुझे लगता है कि बाइक के चलान नहीं कटे, बाकी पता नहीं, लक्ष्य के कटा तो मतलब कटते होंगे बट इग्नोर कर देते होंगे, अनलेस आप लाइक ओवर स्पीडिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत वो माफ़ कर देते हैं। पर हाईवे पे भी देखा मैंने कि रोकते नहीं इतने जल्दी, जयपुर वाले हाईवे पे स्पीड वाले मिलते ही मिलते हैं, गाड़ी को रोक लेते हैं, बाइक को मुझे आज तक नहीं देखा। ये है किया सेल्टोस, काफी नाम सुना है मैंने, मार्केट में जगह बना चुकी है। मीट आवर सैम भाई अपनी पूरी दुकान लेके चले हैं, कैंपिंग कर रहे हैं ना इसलिए एक्स्ट्रा सामान लेके चल रहे हैं। व्हाट्सअप लवली पीपल, पहचानते तो होंगे आप? अरे कहाँ पहचानते हैं, छोटे लोग कहाँ है? अरे नहीं है, बाकी एक टी ब्रेक लिया, छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद निकलने वाले हैं मयूर ढाबा के लिए। टी ब्रेक तो चलता है, बीच में लेना पड़ता है, मुरथल पे ना खाने का मन नहीं करता, जब से ना पराठे अच्छे नहीं मिलते ना। अपना कॉमन हो गया बहुत कॉमन भी, परांठे परांठे नहीं मिलते भाई, क्या करें भाई। 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेंगे, टी तो मैंने पी ली है, बस थोड़ा सा सामान चेक कर रहे हैं, लाइटों पे लग रहे हैं कवर, क्यों? क्योंकि चलाना है भाई, इसलिए मन नहीं कर रहा मेरा लाइट लगाने का। होपफुली आवाज सही रिकॉर्ड हुई होगी, आवाज में क्यों प्रॉब्लम आ सकती, क्योंकि फर गिर गई, मुझे पता नहीं चला फर कहाँ गिरी, कब गिरी, कैसे क्या हुआ, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था बट हो गया, तो जो हो गया बाकी पोस्ट प्रोसेस करके थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, आगे के लिए थोड़ा सा जुगाड़ किया है, होपफुली ये वर्क करे
और आज का दिन निकाल दे, क्योंकि कल के लिए कुछ ना कुछ और जुगाड़ देखना पड़ेगा मुझे। अभी किलोमीटर हो गए 1947, ये कुछ खास है इसके ऊपर आपको पता होगा यार, सबको पता होता है, तो कमेंट कर दीजिए क्या होता है। बाकी सुबह क्या हुआ, सुबह जल्दी उठा मैं और क्या क्या मैंने देखा, अरे ड्रोन तो अनबॉक्स किया नहीं, राइड में जा रहा हूँ लॉन्ग, ड्रोन अनबॉक्स मैंने किया नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसको मैं करता हूँ अनबॉक्स। तो मैंने जैसे ड्रोन बॉक्स को ओपन किया तो मैंने देखा क्या था उसके अंदर, एक था ड्रोन, दूसरा था रिमोट, फिर थे काफ़ी बॉक्सेस, काफ़ी ज़्यादा। अब उन बॉक्स के अंदर क्या था, किसी में था प्रोपेलर, किसी में था चार्जर, किसी में थी केबल्स। तो मतलब इतनी केबल, इतनी चीज़ें देख के मैं तंग हो गया कि यार इतना कुछ है क्या इसमें, पर कुछ भी नहीं था एक्चुअली। मैं उनको सबको कनेक्ट करके देखते हैं तो एंड में जाके कुछ नहीं बनता, एक चार्जर बनता है, तीन सेट ऑफ प्रोपेलर बनते हैं जिसमें से दो लग जाते हैं, एक एक्स्ट्रा बचता है, प्रोपेलर है लो नॉइज वाले, जिससे कि थोड़ा सा साउंड कम आएगा, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, जिससे मुझे बेनिफिट होगा। मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन होती है ना तो मज़ा नहीं आता ड्रोन शॉट में, उनका जवाब दें या ड्रोन उड़ाएं आपके लिए शॉट ले, सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है लाइक परफेक्ट शॉट लेने के लिए। अब वापस आते हैं अनबॉक्सिंग के अंदर, ड्रोन्स के जो स्टिकर्स निकालने होते हैं ना, उसमें निकालने में जो आनंद आता है ना, वो अलग ही लेवल का आता है। तो पहले मैंने निकाला ड्रोन के ऊपर से स्टिकर, फिर मैंने निकाला कंट्रोलर के ऊपर से स्टिकर, फिर देखा अरे यार ये तो गिम्बल के नीचे भी लगा हुआ है स्टिकर, तो वहाँ से निकाला मैंने स्टिकर को, क्या मज़ा आया। नए ड्रोन को ना ओपन करने का मज़ा अलग होता है, ये तो हो गया फन चीज़। फिर आती है नॉट सो फन चीज़, क्या उसको सेटअप कीजिए। जी हाँ, सेटअप करना एक पेन होता है, कोई भी नहीं चाहता, ऐसा लगता है कि बस उसको सेटअप करके दे दो, बस ओपन करने में मज़ा आता है, सेटअप करने में नहीं। देखा बंदे, अगर आपको वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा ना आपको कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट मतलब ऐसा कि ऐसा ना लगे यार रूडली बिहेव कर दो, क्या कर रहे हो, मेरी वीडियो को बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वीडियो बनाने दो, उनको मज़ा आएगा। मैं भी डब्बा पहुंच गया 10 बजे, करेक्ट 10 बजे, 4 मिनट ऊपर है, बाकियों का वेट कर रहे हैं कभी आगे ना निकल जाए। पराठे आ गए, रायता खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं। सैम भाई, हाँ बिल्कुल, खा के बताओ भाई टेस्ट कैसा है। गरम गरम है। ये नहीं भूलना चाहिए, देख रहे हो ना, ये मस्ट है, अगर ये नहीं डाला तो आपने हेलमेट नहीं पहना। तो चलिए चलते हैं अब। रे बाबा रे, चलें क्या, ट्रैफिक, ये कैसा ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक। होपफुली BTR का मीटअप स्मूथली चला जाए तो मज़ा होगा, रात को आराम से मस्ती करेंगे और फिर कल आगे की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि आगे भी जाने वाले, मैंने बताया नहीं अब तक, नहीं बताया आपको, अब जान लीजिए हम आगे भी जाएंगे, कहाँ तक जाते हैं वो डिसाइड हम करने वाले हैं शाम को। पॉइंट हमने डिसाइड करके आए थे कि इतना तो हमने करना ही है, बाकी उससे आगे कितना जाते हैं कितना नहीं जाते हैं वो देखते हैं आज शाम को, और आपको बताते हैं, मे बी होपफुली आज बताएं या कल बताएं, जैसा भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ये लक्ष्य का सब्सक्राइबर आते हुए हाईजैक कर लिया बीच में रास्ते के, ओ नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब वो टाइम आ गया जो मैं वही बोरिंग बातें करने वाला हूँ कि हम यहाँ से लेने वाले लेफ्ट टर्न जो चंडीगढ़ और जैकपुर की तरफ जाता है, तो ये बोरिंग बातें अब ना करते हुए निकलते हैं। चलिए चलते हैं, जो चाह हो जाए, संतरा कोला एंजॉय। कितने बेसन लोग अकेले अकेले जूस पी रहे, ड्राइवर को भी पूछे नहीं था आपसे पहले पूछा वहीं से ही बोल दिया था, गलती से बनवा मत देना पहले, क्या चीज गलती से बनवा मत देना। नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने कहा पहले चेक कर लेना संतरे कैसे हैं। अभी कहाँ लेट हुआ, संतरे तो भूटान के बढ़िया होते हैं। हेलो, मीटअप इज ओवर, खाना खाया, मतलब सैंडविच ली थी, कौन सी बॉलीवुड सैंडविच मुझे याद नहीं है, ऑर्डर मैंने नहीं किया था, बाकी सैंडविच लिया, कोल्ड ड्रिंक ली
मस्ती की और अब टाइम हो गया कहाँ वापस जाने का, लगेज लेने का, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे हम स्टे करने वाले, अभी डिसाइड नहीं किया। डाटा ट्रांसफर इज गोइंग ऑन, बाकी सब सो गए हैं। डाटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद मैं भी जाऊँ। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते अगली वीडियो में, लिव लाइफ लिव इट, बाय। अभी तक देख रहे हैं तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हिंट है। हिंट क्या बताने वाले, कहाँ जाने वाले? साधुपुल जाने वाले हैं होपफुली, पता नहीं हर मिनट प्लान चेंज हो रहा है। लास्ट डिसीजन होने के लिए पता नहीं इस मॉर्निंग में पता चलने वाला है। तो जी हाँ, जैसा भी होगा बता दूंगा, साधुपुल जाने वाले हैं और साथ में ड्रोन शॉट आने वाले हैं। अनबॉक्सिंग देखी थी ना, तो इस बार ड्रोन शॉट देखना।